देंगे सत्र को लेकर, विधानसभा के सत्र को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित कर दी गई है। दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक होनी थी। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, योगेंद्र सिंह और सुनीता पटेल को कोरोना हो गया है। बीजेपी की माननीय गौड़ को भी कोरोना हुआ है। विधानसभा सचिवालय के 38 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो विधानसभा के सत्र को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी भोपाल में सर्वदलीय बैठक होनी थी, उस बैठक को अब स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन होना था, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले ही कांग्रेस के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, योगेंद्र सिंह और सुनीता पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इससे पहले ही विधानसभा सचिवालय के 38 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, हम देख रहे हैं विधानसभा सत्र शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही कोरोना का साया मंडराने लगा है सत्र पर। देखिए, सर्वदलीय बैठक नहीं होना और कोरोना पॉजिटिव होना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सर्वदलीय बैठक निरस्त की गई हो, ऐसा नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को, जो दोनों दलों के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनको सूचना दी गई होगी। उसके पीछे के कारण में हमको जाना होगा कि सर्वदलीय बैठक क्यों अभी निरस्त की गई है, लेकिन कल सर्वदलीय बैठक हो जाएगी। कोरोना पॉजिटिव होना विधायकों का और कर्मचारी का, उससे सर्वदलीय बैठक से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कोरोना पॉजिटिव होने की, तो स्वाभाविक रूप से जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद विधानसभा सत्र किस तरीके से संचालित किया जाए, इसको लेकर जरूर गंभीर मंथन होगा। और अब जब अगली बार जो बैठक होगी सर्वदलीय बैठक, उसमें तय होगा कि किस तरीके से सत्र का संचालन होना है। तो ठीक है जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दोपहर 3 बजे, आज दोपहर 3 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित हो गई है। अब कल सर्वदलीय बैठक होने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए।